हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ परवेश न्यूटन। मैं आप लोग के सामने क्लास ट्वेल्थ का लेक्चर नंबर थर्ड लेकर आया हूं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ा रहे थे उसमें पार्ट वाइज पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से करके बता रहा हूं। तो ये हम पार्ट थर्ड या लेक्चर नंबर थर्ड लेकर आप लोग लाए। लेक्चर नंबर थर्ड है क्या? तो लेक्चर नंबर थर्ड को हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बहुत ज्यादा क्लास ट्वेल्थ से न्यूमेरिकल बनाना, इसी से यही से स्टार्ट में न्यूमेरिकल होता है। और इसमें क्लास ट्वेल्थ जो बिहार बोर्ड है या किसी भी बोर्ड का अगर आप लोग दीजिएगा तो एक नंबर वन मार्क्स टू मार्क्स का क्वेश्चन ज्यादा अराइज करते हैं। तो हम लोग कूलम्स लॉ को बहुत सटीकली से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे कि कूलम्स लॉ होता क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ज के बारे में। और चार्ज जो हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, चार्ज का प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी आया था जिसको बोलते थे लाइक और अनलाइक। लाइक और अनलाइक में होता क्या था? तो वो जो लाइक और अनलाइक को लेकर चल रहे हैं वही से हम लोग का कूलम्स लॉ का मेन पॉइंट निकालते हैं। लाइक और अनलाइक है क्या? तो हमारे पास दो चार्ज होता था, चाहे तो वो चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रहे या फिर वो नेगेटिव नेगेटिव रहे, चाहे तो पॉजिटिव नेगेटिव रहे या नेगेटिव टू पॉजिटिव रहे। जब ध्यान से सुनिए, जब सेम चार्ज रहेगा जिसको बोलते थे लाइक, तो लाइक में क्या होता है? तो एक दूसरे के बीच में दुश्मनी हो जाता है। और जब अनलाइक होता है तो अनलाइक के बीच में प्यार हो जाता है, जिसको दूसरे नाम से हम लोग कह सकते हैं कि जब लाइक चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जब अलग चार्ज रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे अट्रैक्शन बोलेंगे, इसके बीच का अट्रैक्शन हो जाता है। अब बात आता है कि सर लाइक और अनलाइक आप लेकर चले हैं, लेकिन हम लोग तो टॉपिक लिखे क्या, हेडलाइन क्या डाले हैं? कूलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम्ब फोर्स होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग कहते हैं किसको है? बहुत सटीक तरीके से आप समझिए कि यदि यदि दो चार्ज पार्टिकल है, यदि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन अगर करता है तो उसी को कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे सर? तो आप लिख सकते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज इज नोन एज कूलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों इसमें हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये तो इसका डिफिनेशन था। हम लोग को आपको मेन समझाना है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। कूलम्ब्स लॉ में तो एलएल डाल देते हैं, कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बहुत अच्छी तरीके से इसको समझे, बहुत सिंपल है कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ कहता है कि मान लीजिए हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए, अनदर पॉइंट हम लोग मान लेते हैं बी, कोई दिक्कत? दो पॉइंट है और दोनों पॉइंटों के बीच में, अर्थात दोनों पॉइंटों पर, एक पॉइंट ए पर जो चार्ज है वो Q1 है और पॉइंट बी पर जो चार्ज है वो क्या है? Q2 है। बट दोनों पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी जो है वो दोनों को एक आर डिस्टेंस से हम लोग जोड़ दिए हैं, इसको आर डिस्टेंस से सेपरेशन किए हुए हैं। बट कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन सबसे पहले दे सकते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ का डिफिनेशन देखिए इस तरह से आप डिफाइन कीजिएगा इसको, इफ द टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस आर अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन सटीक तरीके से अगर आपको डिफिनेशन देना है तो बोलिएगा
द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस आर इन वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ हम लोग बोल सकते हैं। मतलब कि दो पॉइंट पर एक E1 और Q2 चार्ज दिया हुआ है, दोनों के बीच में चाहे तो अगर मान लीजिए पॉइंट ए पर प्लस है, पॉइंट बी पर भी प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर भी माइनस है, इस पर प्लस है, इस पर माइनस है, इस पर माइनस है, इस पर प्लस है, तो आप क्या समझ सकते हैं कि दोनों पर जब चार्ज सेम रहेगा तो रिपल्सन भी करेगा, डिफरेंट रहेगा तो अट्रैक्शन भी करेगा। तो दोनों पॉइंटों पर जो अट्रैक्शन और रिपल्सन करता है लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा, आर रहेगा। लेकिन किस केस में, तो इन वैक्यूम के केस में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम लोग बोलेंगे, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कूलम्स लॉ हम लोग बोलेंगे। अब इसमें कहता है कि जो कूलम्स लॉ को आपने प्रूफ करना है, तो कूलम्स लॉ को प्रूफ करने के लिए बहुत सटीक तरीके से कह सकते हैं कि द लिख सकते हैं फर्स्ट में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 है Q2। जो फोर्स होता है वो चार्ज का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। सेकंड में बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, और इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स लॉ भी हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। अब आप देखिए कि इसमें दो चीज समझता है, अब डायरेक्टली और इनवर्सली में क्या डिफरेंस है। जैसे हम मान लीजिए कि हमारे पास बोर्ड है, हम इसको डायरेक्ट फोर्स लगा रहे हैं, तो हो गया डायरेक्टली। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं फोर्स लगा के, हम मार्कर के थ्रू फोर्स लगा रहे हैं, तो पहले मेरा फोर्स मार्कर पर और उसके बाद कहां के बोर्ड पर, तो यह हुआ इनवर्सली। लेकिन ए अगर डायरेक्ट लगा रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टली, बात समझ में आ रहा है। तो यहां पर जो फोर्स होता है, इस चीज को देखो समझना, क्योंकि कूलम्स लॉ का जब ग्राफ होता है तो ग्राफ में भी हम लोग इसको बताना पड़ता है। तो फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन, एफ Q1 Q2, एफ Q1 Q2 बाय कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर, कोई दिक्कत। लेकिन अभी भी कूलम्स लॉ नहीं हम लोग लेकर है। देखिए ये जो डायरेक्टली है इसको हम लोग किसी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई हटाने के लिए करते हैं, तो एफ के Q1 Q2 बाय क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब है क्या, तो हम लोग समझ सकते हैं वेयर एफ इक्वल टू फोर्स बोल सकते हैं, Q1 Q2 क्या है, चार्ज ऑफ ए पार्टिकल है, K क्या है, कूलम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस है, कोई दिक्कत। तो ए भी कूलम्स लॉ का एक फॉर्मूला हम लोग लेकर चले आए हैं, लेकिन के का वैल्यू होता है 1/4πε0। इसका न्यूमेरिकल मान जो हम लोग लिखते हैं 9×10⁻⁹ होता है। इसका यूनिट जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 होता है। अब सेलेक्ट नोट का जो मान होता है 8.85×10⁻½ न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 और कूलम स्क्वायर होता है।
इसको ध्यान से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। अब बता रहा है कि के को कूलम्ब, फिर से एक बार बता रहे क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए और ऑब्जेक्टिव के लिए भी। चाहे तो आपसे कूलम्ब कांस्टेंट का वैल्यू ये ऑब्जेक्टिव में दे दे, या फिर इसका एसआई यूनिट आपको लिखने के लिए दे दे टिक मारने के लिए, या तो आप साइलेंट नोट का मान कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप साइलेंट नोट का मान इसका एसआई यूनिट कितना होता है वो भी होना चाहिए। कभी कभी तो ऑब्जेक्टिव इसका डायमेंशन भी पूछ देता है कि डायमेंशन कितना होता है, जो बीमा जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसा पॉइंट को हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। अब साइलेंट नोट जो के हो गया कूलम्बिक कांस्टेंट, अब साइलेंट नोट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, कोई दिक्कत। अब देखो इसी फॉर्मूला को एक और फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ए बराबर क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसी पर मैक्सिमम न्यूमेरिकल रहेगा। अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। अगर मान लो सपोज क्यू वन और क्यू टू का वैल्यू दे दिया, मान दे देगा, आर का भी दे देगा, क्या आप पर फोर्स नहीं निकाल सकते हैं? 1/4 पर आप सेलेक्ट नोट का मान जानते हैं 9×10⁻¹ होता है, या आपको फोर्स दे देगा, चार्ज दे देगा, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, आराम से निकाल सकते हैं। या एफ दे देगा, क्यू वन दे देगा, आर दे देगा, क्या क्यू टू का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? तो न्यूमेरिकल कितनों भी तरह से इसको घुमाकर आपसे पूछ सकता है, हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल बनाना है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत, अगर सिंपली बनाएगा तो सिंपल सिंपल भी है, और टफ में बनाएगा तो टफ भी इसका है। तो हर एक तरह से आपको दिया रहा है। कभी कभी हो सकता है कि चार्ज नहीं दिया हुआ है और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा देंगे? क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगा देंगे। और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर प्लस माइनस एन ही होता है। यहां से भी हम लोग चार्ज को निकाल सकते हैं, उसके बाद हम लोग कूलम्ब फोर्स निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो इस तरह से फॉर्मूला बहुत ज्यादा आपको घुमा घुमा कर पूछते रहे। लेकिन मेन पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि सर फॉर्मूला तो मुझे याद हो जाएगा, लेकिन भी अभी भी कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला आप साइलेंट नॉट लेकर चले हैं और वैक्यूम में चल रहे हैं। हम आपको पानी में भी बताएंगे कितना होता है, हम आपको किसी मेटल के लिए भी फॉर्मूला बताएंगे कि कितना होता है। ये तो एयर के केस में हम लोग लेकर चल रहे हैं, हर एक फॉर्मुलेट का अलग अलग करना, लेकिन फिर भी आपको एफ बराबर क्यू वन क्यू टू फोर पाई साइलेंट नॉट आर स्क्वायर लेकर मान चलते रहना है, कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे इसी में आगे कि कूलम्ब फोर्स का, कूलम्ब कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या होता है, परमिटिविटी का एसआई यूनिट क्या होता है, तो हैव सभी का वैल्यू अलग अलग मैं आपको निकाल कर बता रहा हूं, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग क्या कि कूलम्ब्स लॉ का या जो फॉर्मूला हमने प्रूफ किया उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसमें। जैसे फर्स्ट में हम बात करते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ कूलम्बिक के, इसका यूनिट क्या होगा, के कांस्टेंट टर्म का यूनिट और डायमेंशन क्या होगा। तो आपको देखो बुक में जाओगे एकदम कहीं पर भी सिंपली लिखा हुआ रहता, बट हम लोग को रटना नहीं है। आप 11th क्लास में अगर पढ़े हैं बहुत सिंपली से इसको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर देखो ऑब्जेक्टिव में पूछता है वो तो ऑब्जेक्टिव में कभी भी वो घुमाकर आपको पूछ देता है। अब आप याद रट लेते हैं वो तो एक रटने से आपका नहीं होगा ना, आप उसको निकालने के लिए जाएंगे कि कैसे निकालता है, हम वो चीज को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कूलम्ब कांस्टेंट कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला लाए थे कि ए बराबर होता है सर के क्यू वन क्यू टू बाई क्या होता है आर स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम क्या बाबू? इसको के का मान निकालना है तो के बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ आर स्क्वायर क्यू वन और क्यू टू, कोई दिक्कत। कैसे? इसको इससे मल्टीपल कर देंगे एफ आर स्क्वायर क्यू वन क्यू टू, अब हम लोग को के निकालना क्यू वन क्यू टू को इधर, कोई दिक्कत। अब देखो के बराबर यही से हम लोग को मिन यूनिट और डायमेंशन निकाल, आप लोग शायद जानते होंगे कि के का यूनिट निकालते हैं
फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, क्यू वन बराबर अगर क्यू टू रहे या दोनों क्यू रहे तो क्यू का क्या कर सकते हैं स्क्वायर, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम मतलब सी का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? आप यहां पर अगर रखिएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये भी सही है। या फिर के बराबर न्यूटन मीटर स्क्वायर सी पर पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो इस तरह से अब तो ये क्या हुआ, के का यूनिट हो गया। अगर इसका हम लोग को मान कर दे कि के डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ के का डायमेंशन अगर आपसे सिंपली के का डायमेंशन बोले तो कैसे आप लोग हम लोग निकालेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे कि के बराबर एफ आर स्क्वायर क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ आर स्क्वायर तक के बराबर क्या लिखेंगे, एफ का हो जाएगा हम लोग जानते हैं कि एफ बराबर होता है एबल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर एल का स्क्वायर, चार्ज का होता है एटी तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अगर आप रखोगे तो के बराबर हो जाएगा एमएल टी पर पावर माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर, और क्यू का स्क्वायर है इसका मतलब ए स्क्वायर और क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं के बराबर एम एल क्यू टी माइनस टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर हम लोग बोल सकते हैं। या फिर इसको अगर आप ऊपर भेजोगे तो के बराबर एम एल क्यू टी माइनस फोर ए माइनस टू हो जाएगा। उतार सकते हैं आप इसको। अब हम लोग बताते हैं कि परमिटिविटी का, जैसे कि मान लीजिए कैसा यूनिट ऑफ एब्सोल्यूट नॉट का, एब्सोल्यूट नॉट का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हम लोग फॉर्मूला क्या बना रहे थे, ए बराबर लिखते थे क्यू वन क्यू टू फोर पाई एब्सोल्यूट नॉट आर स्क्वायर। ध्यान से यहां पर समझिएगा, ये चीज को समझिएगा, यूनिट एंड डायमेंशन में आप लोग जानते होंगे कि कांस्टेंट टर्म ये सब का नहीं होता, फोर पाई जो हुआ वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा, तो फोर पाई डायमेंशन लेस तो ए बराबर क्या बच गया क्यू वन क्यू टू अब साइलेंट नॉट आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं अब साइलेंट नॉट का क्यू वन क्यू टू एफ आर कितना जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत? अगर इसका हम लोग निकालते हैं यूनिट तो एब्सोल्यूट नॉट का जो यूनिट हो जाएगा क्यू वन का तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, एफ का एन हो जाएगा, आर स्क्वायर का मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो लिखेंगे सी स्क्वायर न्यूटन मीटर का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि एन एम माइनस वन माइनस टू कूलम का स्क्वायर, उतार सकते हैं। उसी तरह से अगर डायमेंशन एब्सोल्यूट नॉट का निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे एब्सोल्यूट नॉट इक्वल टू क्यू वन क्यू टू एफ आर स्क्वायर। अगर क्यू वन क्यू टू तो क्यू का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और टी का स्क्वायर, फोर्स का एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। अब साइलेंट नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर टी स्क्वायर बाई एम एल टी पर पावर माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर, कोई दिक्कत?
अब सारे नॉट का लिखेंगे इसको ऊपर में जो पहले ए स्क्वायर टी स्क्वायर एम एल क्यू टी माइनस टू इसको अरेंज करते हैं। एम ऊपर जाएगा माइनस वन, एल पर पावर थ्री है माइनस थ्री, टी पर पावर माइनस टू ऊपर जाएगा प्लस, टी पर पावर फोर आई ए पर पावर टू ये हो जाएगा। अब सारे नॉट का कितना आ जाएगा ए माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए का स्क्वायर जस्ट एकदम एक दूसरे के और ऑब्सोलेट नॉट एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस में हम लोग का अपना लेकर चलेगा उतार सकते हैं इसको। कभी कभी कूलम्ब कांस्टेंट एक और बता दे रहे हैं परमिटिविटी के भी केस में देता है वो भी थोड़ा सा आप लोग यहां पर बता दे रहे हैं। परमिटिविटी होता क्या है एक बार देख लीजिए कि परमिटिव कूलम्ब का जो आपने फॉर्मूला लाए थे ए बराबर लाए हैं क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ये नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन के बराबर हम लोग लेकर चलते हैं कि ए बराबर ए तो एयर के किस में ठीक है ए बराबर क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर हम लोग लेकर सकते हैं किस केस में तो परमिटिविटी और फिर डाइलेक्ट्रिक के केस में ठीक है ना जिसको हम लोग एप्सिलॉन को बोलते हैं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन या फिर रीड भी बोलते हैं रीड दोनों के केस में बोलते हैं। तो ये किसी मीडियम के केस के लिए हम लोग किस मीडियम के लिए निकाल रहे हैं तो देखो एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इसको एप्सिलॉन बोलते हैं परमिटिविटी और फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस रिलेटिव मतलब किसके केस में आ गया देखिए ए बराबर क्यू वन क्यू टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर ये देखो मेन कूलम्ब का फॉर्मूला हो गया बात समझ में आया। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि ये कूलम्ब का जो फॉर्मूला है वो किसके लिए मेटल के लिए किसके लिए तो बोलेगा ये सबके लिए ये किसी वैक्यूम के लिए नहीं है सबके लिए। अब अगर आपको इसमें बोले कि एयर में निकालो तो इतना याद रखिएगा आप साइलेंट आर फॉर एयर के लिए कितना होता है वन होता है आप साइलेंट आर फॉर वाटर के लिए कितना होता है किसी किसी में 80 या 81 भी लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। आप साइलेंट आर फॉर मेटल के लिए कितना लेते हैं इनफाइनाइट लेते हैं इस तरह से बताइए। तो ये कूलम्ब कांस्टेंट में हम लोग लेकर चलते हैं ऐसे इसका फॉर्मूला भी लेकर चलते हैं तो एफ मीडियम बराबर एफ सॉरी लिखते हैं इसका एफ वैक्यूम एयर बाय क्यू इस फॉर्मूला को भी आप याद रखिए ठीक है तो उतार सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं इसका ग्राफ बताते हैं थोड़ा सा ग्राफ क्या होता है जो अगर इस फॉर्मूला का तोड़ना है तो इसको एक और लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर के भी हम लोग बोलते हैं इस तरह से भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं ठीक है चलते हैं ग्राफ। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि कूलम्ब का होता है Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर क्या ले रहे हैं ग्राफ किसका कूलम्ब का है ना। हम लोग जानते हैं पहला हम बताए थे कि एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 का इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जितना फोर्स बढ़ेगा उतना ही चार्ज भी बढ़ेगा
दोनों एक दूसरे का बराबर में चले हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात करें तो ओम्स लॉ में क्या होता था, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता था। तो इसका भी ग्राफ लेते थे या इसका भी ग्राफ लेते थे, हम बोल सकते हैं कि एक साइड में अगर फोर्स है और दूसरे साइड में क्या है, चार्ज है, तो फोर्स बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसका मतलब कैसा होगा, एकदम कांस्टेंट टर्म होगा, कोई दिक्कत। सेकेंड में अगर हम लोग बात किए थे तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस का अगर दो पॉइंट है क्यू वन और क्यू टू तो इसके बीच का कितना हो गया, हाफ हो गया ना, तो हम इसको बोलेंगे कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल या इनवर्स लॉ का मतलब कि एक साइड में अगर चार्ज दूसरे साइड में अगर फोर्स, इस पॉइंट से लेना है तो देखो ऐसे चलेगा, इस तरह से भी होगा, इसको हम लोग बोल सकते हैं, हाफ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उतारना है तो आप उतार सकते हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट का, इंपॉर्टेंट पॉइंट कूलॉम्स लॉ का बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इस पॉइंट से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ये हमेशा याद रखिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। जैसे बोलेगा द फोर्स इज ए कंजर्वेटिव इन नेचर, यह हमेशा याद रखेगा, कूलॉम फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता है, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज, अब मान लीजिए कूलॉम फोर्स जो है वहीं पर लगाएंगे जहां पर पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है तो एक बार में किसी दो बिंदुओं के बीच में कूलॉम्स लॉ लोग इसके बीच निकले, चाहे इसके चाहे इसके किसी तरह से, तो ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा पॉइंट बोल रहे हैं कूलॉम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन माइनस 14 मीटर, मतलब इसका लेस देन अगर होना वैलिड नहीं रहेगा, इसको कितना तक लेकर चलना है, 10^-14 मीटर, ऐसे किलोमीटर से 10^-14 मीटर, ये भी बोलते हैं। कह रहे कि अभी तुरंत बताया था कि परमिटिविटी की बात कर रहे थे, तो अब साइलेंटर एयर में रहेगा तो 1 लेंगे, वाटर में रहेगा, मेटल में रहेगा तो इन्फिनाइट लेंगे, वाटर में रहेगा तो 80 या 81 किसी किसी में लेते हैं, बुक में लिखा हुआ तो 80 मानकर चलिए। दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, क्यों, क्योंकि लाइक और अनलाइक चार्ज दोनों होता है, तो कूलॉम्स लॉ जो है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ओनली फोर क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में अट्रैक्टिव होता है, अगर उसमें रिपल्सिव होता तो हम लोग ऊपर जाते नीचे आते, ऊपर जाते नीचे आते, लेकिन ऐसा रूल नहीं। थर्ड में न्यूक्लियर फोर्स इज मेनी बॉडी इंट्रैक्शन, सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ न्यूक्लियर, न्यूक्लियर फोर्स में कभी भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का वैलिड नहीं होता है, और वो अभी तुरंत बताएंगे कि सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, ठीक है। तो अगला लाइन डालते हैं, अगला कहता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सही से इसको इतना सिंपली हम लोग समझ जाएंगे ना कि ज्यादा कुछ इसमें है ऐसे नहीं। दो पॉइंट है, एक ए है दूसरा पॉइंट बी है, ए पॉइंट को मान लो अकबर नाम दिए और बी पॉइंट को बिरबल नाम दिए, दो नाम का कोई आदमी है दोनों पॉइंट पर रुका हुआ। अब तुम सोचो
अगर अकबर बन जाता लगाया, अगर वहां पर अकबर रहता, हम बीरबल है, अगर वो बल ज्यादा लगाता तो हम उसके तरफ झुक जाते, मेरा डिस्टेंस उसके तरफ, अगर हम ज्यादा बल लगाते हैं तो वो मेरे तरफ झुक जाता, कोई दिक्कत? तो दो में से एक झुकेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसके तरफ चले जाएंगे तो नेगेटिव है, चाहे तो वो मेरे तरफ आए या फिर हम उसके तरफ जाएंगे। तो ए पॉइंट भी, ए भी लगा रहा है, ए पॉइंट टू बल लगा रहा है, अरे यहां पर F21 लगा है, समझते जाएगा दोनों पॉइंट के मतलब है। कैसे कैसे हम लोग लेंगे, R21 का डिस्टेंस इधर, R12 का डिस्टेंस इधर। F12 का मतलब हुआ फोर्स वन लगा रहा है किस पर, टू पर, फोर्स वन लगा रहा है टू पर, जब फोर्स वन लगाएगा टू पर तो इसका डिस्टेंस किधर जाएगा, आगे क्या? फोर्स टू लगा रहा है किस पर, वन पर, ए लगा रहा है किस पर, समझते जाएगा। तो एफ वन टू के क्यू वन क्यू टू, यहां पर चार्ज क्यू वन, यहां पर चार्ज क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर आर टू वन का कैप लिख सकते हैं, देख लीजिए एक बार ध्यान से, या फिर के का वैल्यू फोर पैक सेलेक्ट नोट भी हम लोग रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाले बात नहीं है। अगर फोर्स टू लगाता वन पर क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर आर वन टू का, समझते जाएगा ध्यान से कैसे कैसे लिख रहे हैं। अगर दोनों को इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सपोज हम लोग कंबाइन करते हैं, कहां पर आ रहा है, एक दूसरे का डिफरेंट यहीं पर नजर आ रहा है तुम्हें, हाँ या ना? तो हम लोग लिख सकते हैं F21 K Q1 Q2 R स्क्वायर R12 का माइनस, इतना कर सकते हैं हम लोग। अब बराबर में अगर लिखना है तो एफ वन टू माइनस एक दूसरे, चाहे सिंपल में कर सकते हैं एफ वन टू इक्वल टू माइनस में एफ टू वन, अगर ये ज्यादा फर्क लगाया तो नेगेटिव में, और अगर ये ज्यादा लगाया तो ये नेगेटिव में, मतलब कह सकते हैं कूलम फोर्स जस्ट लाइक न्यूटन थर्ड लॉ भी हो सकता है, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर एक पॉइंट नोट करके हम लोग भी बोल सकते हैं, सो द फोर्स एग्जर्टेड बाई चार्ज ऑन ईच अदर आर इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू डायरेक्शन कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट टू डायरेक्शन हम लोग कर सकते हैं। एक कूलम्स लॉ किस में आ जाएगा, एक वेक्टर के फॉर्म में आ जाएगा। इसी में एक पॉइंट है, अगले पॉइंट पर चलते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, नेक्स्ट हेड है, बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है आज का, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। बहुत सिंपल तरीके से इसको हम लोग लिख सकते हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का, मान लीजिए एक पॉइंट है वो पॉइंट पर का चार्ज क्यू है, क्यू वन क्यू टू थ्री डॉट डॉट डॉट
qn f1 f2 f3 dot 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 fn, इसका मान सकते हैं r1 डिस्टेंस, r2, r3, आगे मान सकते हैं। कभी कभी देखो f11, f12, f13, f14 इस तरह से भी करके मान सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज का मतलब होता है कि बहुत सारे फोर्स को एक जगह पर ऐड करते हैं। जैसे देखो कूलम्स ला अगर लगाना है तो एक बार q और q1 के बीच में लगा सकते हैं तो क्या निकलेगा, F1 निकलेगा। अगर Q और Q2 के बीच में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, F2 निकलेगा। Q और Q3 के बीच में निकालेंगे F3 निकलेगा। इसी तरह से और बहुत सारा चार्ज रहता है, डॉट डॉट n के टर्म में निकालेंगे तो फोर्स n निकलेगा। तो इसका सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज या सुपर पोजिशन और प्रिंसिपल के भी केस में अगर चलते हैं तो ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं F1, F2, F3, डॉट 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 कितना हो जाएगा, Fm हो जाएगा। जहां कि F1 अगर लिखना है तो हो जाएगा Q1, Q2, Q1, Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 का स्क्वायर। अगर F2 लिख लेंगे Q2, Q, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 का स्क्वायर। इस तरह से एफ एन डॉट 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 हम लोग क्या मान लेते हैं, एफ एन टर्म का, तो हो जाएगा क्यू एन क्यू फोर पाई एफ सेलेक्ट नौ आर एन का स्क्वायर। सबको इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्यू एन क्यू फोर पाई एफ सेलेक्ट नौ आर वन का स्क्वायर, क्यू टू क्यू फोर पाई एफ सेलेक्ट नौ आर टू का स्क्वायर, डॉट 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 Q1 Q 4 पाई एफ सेलेक्ट नॉट आर एन का स्क्वायर। कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, ए बराबर हो जाएगा Q बाई 4 पाई एफ सेलेक्ट हो जाएगा Q बाई Q1 बाई आर वन का स्क्वायर, Q2 बाई आर टू का स्क्वायर, डॉट 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 Qn बाई आर एन का स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग लिख सकते हैं तो ए बराबर तो क्यू वाई ऐसे भी लिख सकते हैं के क्यू, तो समेशन के केस में के क्यू एन इक्वल टू आई, आई इक्वल टू वन, क्यू आई बाई टेन आर आई का उतार लीजिए इसको। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी जस्ट लाइक इसी को भी है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को चार्ज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग कि न्यूमेरिकल को कैसे बनाना है कूलम्स लॉ पर, ऐसा तो उसका मेन चीज था लेकिन थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कूलम्स लॉ का। देखो अगर सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल अगर कहे तो सुपरपोजिशन और प्रिंसिपल में निकालना रहे तो ए बराबर एफ वन टू F13, F1, 4, डॉट डॉट इस तरह से भी करके फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं। किसमें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम लोग बात करते हैं कूलम्स लॉ पर न्यूमेरिकल का बात करते हैं, ठीक है ना। तो कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होगा हम लोग जानते हैं कि ए बराबर की वन की टू फोर पाई एफ सेलेक्ट नौ आर स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत। देखो कभी कभी वन माइक्रो कूलम मिली कूलम, सॉरी वन मिली कूलम, वन माइक्रो कूलम, वन नैनो कूलम, वन पिको कूलम, वन फेम्टो कूलम। तो वन माइक्रो कूलम में टेन टू दी आती, मिली कूलम में टेन टू दी पावर माइनस थ्री कूलम, माइक्रो में माइनस सिक्स कूलम, माइनस नाइन कूलम, माइनस ट्वेल्व कूलम, माइनस फिफ्टीन कूलम, इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए क्यू बराबर कोई बोलते फाइव माइक्रो कूलम, इसको कैसे लिखेंगे,
क्यू इज इक्वल टू 5×10⁻⁶ कूलम्ब लिखे, कोई दिक्कत? तो इस तरह से न्यूमेरिकल बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान में रखेगा कि आर बराबर कभी भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सबसे पहला काम आर को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आर बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, आप क्या करोगे, किसको 100 से भाग दोगे, नहीं, अगर पावर तोड़ रहे हैं तो बेटर है कि इसको भी पावर बना दो, तो कर दो आर बराबर 12×10⁻²। इसी तरह से समथिंग समथिंग बहुत सारे न्यूमेरिकल हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग न्यूमेरिकल बनाइए, अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप हमको उस न्यूमेरिकल को कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देंगे। अब अगर चैप्टर लास्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इसका कूलम्स लॉ वाला में, तो हम इस पर बहुत सारे आपका न्यूमेरिकल हम बताएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, अगले क्लास में हम आप लोग को लेकर आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ कुछ।